हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। याद रखिएगा, इस ये है आप लोग का चैप्टर 2, जिसमें आप लोगों को डिस्कस करना है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी भारतीय संविधान में जो अधिकार है इसके बारे में चैप्टर 2 में आप लोगों को स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 के बहुत ही अच्छी तरह से टर 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इन सब क्वेश्चनों को हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह से हम लोग आज चैप्टर 2 में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर चैप्टर 1 को अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हम लोग अभी क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ये आपके टर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसी तरह से आपके जो एग्जाम होगा टर्म 1, उसमें इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान के अंतरात्मा है। जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इस तरह पूछा जाएंगे क्वेश्चन। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, कौन सा मौलिक अधिकार मूल्य संविधान में से निकाल दिया गया है। तो कौन सा जो मौलिक अधिकार है उसे मूल्य संविधान से निकाल दिया गया है, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्य अधिकार को निकाल कर कौन से संविधान में रखा गया है, तो याद रखिएगा विधिक अधिकार में। कहाँ पर रखा गया है? विधिक अधिकार, यह भी आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टर 1 के, आपका जो टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो क्लास 11 का एग्ज़ाम होगा दिसंबर महीना में, दिसंबर का फर्स्ट वीक में। अगर आप अभी तक डियर स्टूडेंट पेड कोर्स नहीं लिए हैं मिसाल क्लासेस का, तो प्लीज़ करके आप लोग अभी तक पेड कोर्स नहीं लिए तो इस याद रखिएगा, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें, 9122888 60 पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें कि सर पेड कोर्स क्या है। इसमें हम लोग का जो क्लास 11 का है वो बहुत ही अच्छी तरह से अभी पेड कोर्स चल रहा है, जिसमें झारखंड का बहुत सारे स्टूडेंट है जो है वो एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें। देन क्वेश्चन है आपके पास, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूल्यन किया गया है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976-42 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो किस अधिकार को कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए, और ये जो क्वेश्चन है ना ये पिछले साल में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मौलिक अधिकार है इसका रक्षण कौन करता है, तो हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का संशोधन अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद आर्टिकल याद रखिएगा 19, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। तो कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। जो संपत्ति का अधिकार थे वह पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ पे रखा गया है, तो विधिक अधिकार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके जो एग्जाम होगा उसमें इसी तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, सोवियत संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, कुछ नोट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, गौर करेंगे इस बात पर आप लोग, याद रखिएगा ये नोटिस है क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए।
अगर आप अभी कहीं भी एडमिशन नहीं लिए, जिस तरह से आपको घर छोड़कर आपको ट्यूशन जाना पड़ता है, उसी तरह से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक नया न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन ले चुके हैं, जिसका एडमिशन फी मात्र 249 रुपया है, जिसमें आपको टर्म वन एंड टर्म टू के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करवाया जाएगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर स्टडी कराएंगे। इसमें आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन है, इसमें कोई भी टीचर आपको जब टीचिंग कराएंगे, जब आपको स्टडी कराएंगे, तो याद रखिएगा वही क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे बताया जाता है जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले साल पढ़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो उनसे एक बार स्टडी के बारे में एक बार पूछेंगे आप लोग कि किस तरह से मिसाल क्लासेस के चैनल पे हर एक टीचर आप लोगों को स्टडी कराए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे पूरे टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर इस मेहनत पर आप लोग कायम रखें तो याद रखिएगा आपका जो टर्म वन में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो 40 में से 40 मार्क्स लाने के जिम्मेदारी हमारे पूरी टीम की है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह से एग्जाम में हैंडलिंग करना है, इन सब के बारे में हमारे पूरे टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 249 रुपया आप देख पा रहे हैं, ये ज्यादा रकम नहीं है। 249 रुपया में एक जियो का अच्छे से रिचार्ज भी नहीं हो पाता है डियर स्टूडेंट। इसमें आपको एक साल तक कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। आप खुद सोच कर देखिए कि आपको 3 टीचर पढ़ाएंगे, उसमें से एक टीचर का फी मान लेते 10 रुपया पड़ रहा है पर मंथ, तो 10 रुपया आप तो खा करके इंसान थूक देते हैं। आप अपने स्टडी को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग जुड़ रहे हैं, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है 9122888860, इसमें व्हाट्सअप करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा चौथे भाग पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णित किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा संविधान का जो अनुच्छेद है 51, याद रखिएगा 51A, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है। तो किसके द्वारा रिट जारी की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट, यानी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके पास 14, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन समक्ष है। जो मौलिक अधिकारों का जो संशोधन होते हैं इसका समक्ष कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड, ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके क्लास 11 का टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है संविधान में अधिकार। याद रखिएगा संविधान में अधिकार। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करना चाह रहे हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए, तो इसमें आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, जिसका फी है 249 रुपया, जिसमें आपको पूरे टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिए जाएंगे हमारे पूरे टीम के द्वारा, और अच्छे से अच्छे इसमें प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो अगर आप अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप एडमिशन ले लें, क्योंकि ये एडमिशन जो फी देख रहे हैं 249 रुपये से 500 रुपीज़ होने वाला है। तो अगर कोई कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, जो लिए हैं उनको क्लासेस मिल रहे हैं अभी, जो नहीं लिए हैं इस क्लास में आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट 249 रुपये में जब आपको पूरे साल भर पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप खुद सोच कर देखेंगे कि कितना कम फी पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ एक न्यू वीडियो में हम लोग मिलते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।